भी साढ़े च प्रापोगंडा चलाया गया भी महाराजा रणजीत सिंह बड़ा आयास सी उन्हें आ कर दिता वह कर दिता। जिहड़ी गल नहीं दसी गई वह यह सी भी जिन्ना गुरु नाल प्रेम महाराज रणजीत सिंह का सी उन्ना अज किसी सिख का नहीं है। और गुरु ने उन्हूं राज भाग भी तां बख्शिया, गुरु ने उन्हूं एडे वड्डे राज भाग का सेवादार बनाया वो इस करके कि उहदा अथाह प्रेम सी। एक बार जो राजगद्दी ते बैठा है तो उहदा गुरु नाल प्रेम ऐसा सी भी उन्हें ऐलान करवा दिता पूरे राज दे विच भी कोई ऐसा सिख है जिन्हें दसवें पातशाह दे आप दर्शन किए हो। लगभग सदी बीत गई सी इस गल नूं ते एक सिख जिहदी उम्र को 120 साल दे करीब सी उहदा पता लगा। महाराज रणजीत सिंह ने सोने की बड़ी बड़ी सुंदर पालकी सजा के भेजी। उस सोने की बनी पालकी दे विच उस सिख नूं बिठाया ते उहनूं लैके आए दरबार दे विच। ते जदों दरबार दे विच उहने कदम धरिया महाराज रणजीत सिंह भज्जा गया बच्चिआं वांग, छोटे छोटे बच्चों वांग जिवें बच्चे मां वल भजदे ने बच्चों वांग भज्जिआ ते भज के उहदे चरण अपनी दाढ़ी नाल साफ कीते ते वरागमई होया उहदे पैर फड़ के रोंदा रहा किन्ना चिर। हुण उह सिख कोल की सी? उस सिख कोल केवल इको चीज सी भी उहने प्रतख गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते सी बचपन दे। और गुरु नाल इन्ना प्रेम है तीन दिन वह सिख उत्थे रहा, तिने दिन महाराज रणजीत सिंह ने उहदा पल्ला नहीं छड्डिया। इक्को ही सवाल किया भी मेरा गुरु किवें दा लगदा ते उह सिख ने भी इक्को ही जवाब दिता भी गुरु नूं असीं वेख्या सी बचपन दे विच पर उह सतगुर सच्चे पातशाह दे चेहरे ते नूर इन्ना भी उहदा चेहरा किसी नूं याद नहीं रहिंदा। ते फिर ये कलाकार कित्थों आ गए जिन्हां ने कलमां चुकियां ते उहदियां तस्वीरां बना सक दित्तियां। जिहड़ा अथाह है जिहदा थाह नहीं पाया जा सकदा, जिहड़ा अकह है जिहनूं कहा नहीं जा सकदा उहनूं चित्रिया किवें जा सकदा। सो इह उहदा प्रेम सी। अज असीं गुरु की हजूरी च बैठते हाँ पर यह दुख नाल कहना पैंदा असीं यह महसूस नहीं करते दिलों भी गुरु नानक साहब जी सच्चे पातशाह आप तख्त ते बैठे विराजमान ने। ते जे आप विराजमान होण फिर साडा वतीरा यह ना होवे सानू बार बार बेनतियां ना करनियां पैण भी भैणों चुप कर जाओ वीरो चुप कर जाओ क्योंकि आपां नूं भय होवे सतगुर दा भाव होवे प्रेम होवे सतगुर दे नाल। ते जिथे प्रेम होवे उथे मनुख दे नाल कोई जबरदस्ती नहीं करनी पैंदी जिवें सानू करनी पैंदी। असीं की करन तुरे हां? असीं सतगुर सच्चे पातशाह की अगवाई च गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की अगवाई दे विच असीं पिंडों पिंड गए जा रहे हां, जावांगे हर पंजाब दे इलाके च जावांगे। इक्को ही होका देना है, वह होका की है भी आओ गुरु नूं प्रेम करिए जाओ। भी साढ़े च प्रापोगंडा चलाया गया भी महाराज रणजीत सिंह बड़ा आयास सी उन्हें आ कर दिता वह कर दिता। जिहड़ी गल नहीं दसी गई वह यह सी भी जिन्ना गुरु नाल प्रेम महाराज रणजीत सिंह का सी उन्ना अज किसी सिख का नहीं है। और गुरु ने उन्हूं राज भाग भी तां बख्शिया, गुरु ने उन्हूं एडे वड्डे राज भाग का सेवादार बनाया वो इस करके कि उहदा अथाह प्रेम सी। एक बार जदों राजगद्दी ते बैठा है तो उहदा गुरु नाल प्रेम ऐसा सी भी उन्हें ऐलान करवा दिता पूरे राज दे विच भी कोई ऐसा सिख है जिन्हें दसवें पातशाह दे आप दर्शन किए हो। लगभग सदी बीत गई सी इस गल नूं ते एक सिख जिहदी उम्र को 120 साल दे करीब सी उहदा पता लगा। महाराज रणजीत सिंह ने सोने की बड़ी बड़ी सुंदर पालकी सजा के भेजी। उस सोने की बनी पालकी दे विच उस सिख नूं बिठाया ते उहनूं लैके आए दरबार दे विच। ते जदों दरबार दे विच उहने कदम धरिया महाराज रणजीत सिंह भज्जा गया बच्चों वांग, छोटे छोटे बच्चों वांग जिवें बच्चे मां वल भजदे ने बच्चों वांग भज्जिया ते भज के उहदे चरण अपनी दाढ़ी नाल साफ कीते ते वरागमई होया उहदे पैर फड़ के रोंदा रहा किन्ना चिर। हुण उह सिख कोल की सी? उस सिख कोल
केवल इको चीज सी भी उन्हें प्रतख गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह के दर्शन किए बचपन में। और गुरु नाल इन्ना प्रेम है, तीन दिन वो सिख उथे रहा है, तिने दिन महाराज रणजीत सिंह ने उहदा पल्ला नहीं छड्डिया। इको ही सवाल किया भी मेरा गुरु किवें दा लगदा, ते ओ सिख ने भी इको ही जवाब दिता भी गुरु नूं असीं वेख्या सी बचपन दे विच, पर ओ सतगुर सच्चे पातशाह दे चेहरे ते नूर इन्ना है भी उहदा चेहरा किसे नूं याद नहीं रहिंदा। ते फिर इह कलाकार कित्थों आ गए जिन्हां ने कलमां चुकियां ते ओहदियां तस्वीरां बना दित्तियां। जिहड़ा अथाह है जिहदा था नहीं पाया जा सकदा, जिहड़ा अकह है जिहनूं किहा नहीं जा सकदा, उहनूं चित्रिया किवें जा सकदा। सो इह उहदा प्रेम सी। अज असीं गुरु की हजूरी च बैठते हाँ पर यह दुख नाल कहना पैंदा, असीं यह महसूस नहीं करते दिलों भी गुरु नानक साहब जी सच्चे पातशाह आप तख्त ते बैठे विराजमान ने, ते जे आप विराजमान होण फिर साडा वतीरा यह ना होवे। सानू बार बार बेनतियां ना करनियां पैण भी भैणों चुप कर जाओ, वीरों चुप कर जाओ, क्योंकि आपां नूं भै होवे सतगुर दा, भाव होवे प्रेम होवे सतगुर दे नाल। ते जिथे प्रेम होवे उथे मनुख दे नाल कोई जबरदस्ती नहीं करनी पैंदी जिवें सानू करनी पैंदी। असीं की करन तुरे आं, असीं सतगुर सच्चे पातशाह की अगवाई च गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की अगवाई दे विच असीं पिंडों पिंड गए जा रहे हाँ, जावांगे हर पंजाब के इलाके जावांगे। इको ही होका देना है, वह होका की है भी आओ गुरु नूं प्रेम करिए जो